अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़ एक नई वीडियो के साथ, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर। सर, एक आज का जो मेरा मैसेज है ये ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। मैंने पहले भी कई मैसेजेस आजकल दिए हैं। इस मुल्क को आप लोगों के टैलेंट की, आप लोगों के एजुकेशन की, आप लोगों के सरमाए की, आप लोगों की काबिलियत की ज़रूरत है। मैं तमाम पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बैठ कर सोचें, जो वो अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करें। कोई अपने किसी रिश्तेदार को कारोबार करवा सकते हैं, ज़रूर करवाएं। आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्टेबल हैं, उसको बूस्ट करें। आप यहाँ पे एसोसिएट ऑफिस कायम करना चाहते हैं, ज़रूर एसोसिएट ऑफिस कायम करें, ट्रेड करें, एक कैपेसिटी में करें, ब्लाइंडली ना करें, सोच समझ के करें, मंसूबा बंदी के तहत करें। और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी ज़रूर करें। देखिए, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्ट है पाकिस्तान से जाता, और बहुत से फर्नीचर पाकिस्तान से जाता है, बहुत सी डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं। आप जो भी अपने मुल्क के लिए अच्छा कर सकते हैं उसको ज़रूर करें। और जो इंसान अपनी जड़ें मजबूत करता है, हमारे मुकाबले में इंडिया नेक्स्ट डोर है। इंडियन जो बिजनेसमैन मैंने देखे हैं बाहर, मुझे खासा ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस हुआ है, वो अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स को खासा प्रमोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तब भी आप हेल्प करें, आप यूट्यूब चैनल बना लें, आप सोशल मीडिया डेवलप कर लें जिसमें जो चीज़ें आपको स्टोर्स में आपको नज़र आती हैं आप उनको उनकी वीडियोस बनाकर डालें, ताकि आपको पाकिस्तानी जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट कर सकें, उन्हें एजुकेट करें, उनको लिंक्स फ्री पास ऑन कर दें। अगर आप उस बिज़नेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो उसका बिज़नेस का हिस्सा ना बने, लोगों को एक दूसरों से मिलवा दें और लोगों को एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स एक्सचेंज कर दें, तो ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। इशफाक अहमद साहब जैसा फरमाते थे कि खैर बांटो तो खैर मिलेगी, तो एक खैर बांटने वाली बात है, मुल्क का भी भला है और उस चीज़ का भी भला है। तो इस कार्य खैर में जो लोग कोई मुझसे कोई चाहते हों कि मैं मेरे से वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हों, मेरा एक तवील एक्सपीरियंस है 30 साल का जो मैं अब दुनिया से शेयर कर रहा हूँ, तो वो मेरे साथ भी 1-on-1 सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैंने ये सेशंस किए हैं तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड और डिवोटेड हैं, वो ज़्यादा उनके दिल में दर्द है पाकिस्तान का। और ख़ास तौर पे जो गल्फ़ में हमारे जो पाकिस्तानी, उन्होंने अल्टीमेटली लौट के मुल्क ही आना है, उनकी फैमिलीज़ यहाँ हैं, बच्चे यहाँ हैं, तो उनको चाहिए कि वो कोई ना कोई कारोबार जो है प्रॉफिटेबल कारोबार, बजाय ये कि उल्ट पुल्ट के मनसूबे जो हैं वो ना बनाएँ, प्रॉफिटेबल कारोबार जो हैं वो ढूँढें और अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ काम करें, छोटा स्टार्टअप करें, लीन स्टार्टअप करें और उसको फिर ग्रो करें। उसमें ऑनलाइन की ऑप्शंस हैं, उसमें छोटे छोटे और बहुत सारे मंसूबे हैं, अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपनी फैमिली को ट्रेन करें, जब छुट्टियों पर आते हैं यहाँ पर आकर अच्छी तरह सर्वे करें, आंखें खोल के फैसले करें। तो ये मेरी सजेशन है। प्रॉपर्टी में मैं नहीं कह रहा आपको प्लॉटों में अब पैसा ना लगाएं, रेंटेबल प्रॉपर्टी में ज़रूर लगाएं, शॉप लेनी है ज़रूर लें, घर लेना है ज़रूर लें, उसे रेंट पर दें, उसे पैसा कमाएँ, लेकिन अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, अपने फ्यूचर को सेफ करें। और इसमें आपको अगर किसी भी किस्म की गाइडेंस मुझसे चाहिए हो तो आप 1-on-1 सेशन मेरे साथ ज़रूर बुक करें। टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज़ मैं अपने सारे तजर्बात दुनिया के साथ शेयर कर रहा हूँ और वो मैं करता रहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।